पहले भगवान कहाँ थे जब हमारे पूर्वज हाड़ी में थूकते थे, पूछ बांध मतलब कोची बांध के चल रहे थे, उस समय भगवान कहाँ थे? उस समय वो क्यों नहीं दिखाई दे? हमारे पूर्वजों ने कितने ना जाने कितने खा खा कर ऐसे ही मर गए, अपने अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया, तब के भगवान कहाँ थे? पूर्वज हमारे जो कुछ भी है, जो भी है हमारे मसीहा, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर कर्म के आधार पे है नहीं, वो तो जाति प्रधान है, वो तो हमेशा जाति और वर्णों की बात करता है और हम तो किसी भी वार्ड में नहीं। कोई बच्चा नहीं जान रहा बाबा साहब के बारे में तो उसके माता पिता की गलती है कि उन्होंने उन्हें मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। अगर आज के समय में हमें ये बताना पड़े कि बाबा साहब का सम्मान करो तो लानत ऐसे बहुत। सभी लोगों को, और आपने अभी कहा कि बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में जितना भी जानते हैं उतना ही कम है। वो क्या कहते हैं कि सूरज को दीपक दिखाना और हिमालय पर पहाड़ को मतलब पर रुमाल से ढक देना, हम कितना भी बताएंगे उतना ही कम है। और सभी लोगों को बाबा साहब के बारे में कुछ ही क्या बात है, उनका मतलब जीवन, उनका इतना, उन्होंने इतना ज्यादा ज्ञान किया है, मतलब 20-30 घंटे हम यही खड़ा होकर बोलते रहेंगे तब भी मतलब कुछ बता नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाएंगे उनका जीवन बच्चे। उन्होंने इतना त्याग दिया, इतना बलिदान दिया अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए दिया है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। हमारा नाम माही है, हम यहाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। किस क्लास पढ़ते हैं आप? हम भी सेकेंड ईयर के क्लास में हैं। अच्छा, तो आप किस क्लास पढ़ती हैं? मेरा नाम रिया है और हम बीएससी फाइनल कर चुके हैं, नीट की तैयारी करते हैं। नीट की मतलब आप डॉक्टर बनने की? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आना नहीं चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। बिल्कुल, वो बाबा साहब का जब जन्म हुआ था 1891 में, तब से आज 2023 चल रहा है। अगर आज के समय में हमें ये बताना पड़े कि बाबा साहब का सम्मान करो तो लानत ऐसे बहुजनों पर, उनके बारे में हमें अभी तक एकदम जान जाना चाहिए। अगर अगर कोई नहीं जानता है तो वो, अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा बाबा साहब के बारे में तो उसके माता पिता की गलती है कि उन्होंने उन्हें मंदिर के अलावा कहीं नहीं ले गए। अपने त्योहारों की बात की, जो त्योहार मनाए जाते हैं, हमें बाबा साहब के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं। हमारे पिताजी हमें जो आज बताए, हम यहाँ जो बोल रहे हैं खड़े होके, वो हमारे पिताजी की देन है। और जो बच्चे आज तक नहीं जानते बाबा साहब, उनके पूरा हम तो यही कहना चाहेंगे, उनके माता पिता, उनके शिक्षकों की देन है कि वो आज नहीं जान रहे हैं बाबा साहब के बारे में। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। त्योहार तो आप ही बताइए, अभी आप बोल रही हैं कि जो हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मिनट, बाबा साहब ने कहा मूर्ति खंडन किया है, तो आप सब भी बाबा साहब की मूर्ति का पूजा हित करती हैं? आप सब भी तो करती हैं मूर्ति पूजा। बाबा साहब ने कहा था, हमारी बात सुनिए, बाबा साहब ने कहा था कि हमें मूर्ति में मत ढूंढो, हमें किताबें में ढूंढो, हम किताबों में मिलेंगे, हमारी मूर्ति बना के पूजा करने की जरूरत। लेकिन आज भी जहाँ बहुजन समाज है वहाँ पे आपको बाबा साहब की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है, ऐसा क्यों है? मूर्ति मिलती है, लगती है, लेकिन वो ये नहीं बोले हैं कि आप हमारी पूजा करो, वो बोले हैं कि आप हमारे विचारों को मानो। लेकिन आज 90% बहुजन तो पूजा ही कर रहा है, उनका पूजा नहीं कर रहे हैं, बस वो लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते थे? मान लीजिए आपने कहा पूजा नहीं कर रहे, अगर लेकिन मूर्ति कर रहे हैं तो उसी विचारधारा से, देवी देवताओं को जो मानते हैं उसी विचारधारा से मानते हैं कि हम नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं। जो मतलब भगवान वगैरह जो है वो लोग को पूजा करते हैं, वो लोग जाते हैं चढ़ाते हैं पैसा भी चढ़ाते हैं। अगर हम काल्पनिक देवी देवताओं की, जो कि आज तक किसी ने, हमारे बाप के दादा पुरखों ने आज तक किसी भी नहीं देखा, अगर किसी के बाप ने देखा है तो हमें बताए। हमारे बाबा साहब ने इतिहास में एकदम साक्षात लिखा गया है, तो उनकी पूजा करने में क्या बुराई है? उनकी पूजा नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, पूजा नाम की कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो मनाया जाता है वो एक पर्व है, हम उनके पर्व के रूप में मनाते हैं, उनके सम्मान में हम करते हैं। बढ़िया, यही आज यही देवी देवता की पूजा तो ग्रंथों में भी लिखी है। आज लाखों करोड़ों रुपए भगवान राम के मंदिर पे खर्च किए जा रहे हैं, क्या वो काल्पनिक है? पहले सुप्रीम कोर्ट भी करता काल्पनिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम हमारे अस्तित्व में है, तो इसीलिए तो राम मंदिर बनाया जा रहा है। विदेशों से लोग पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, क्या वो हमारे आराध्य नहीं है, हमारे पूर्वज नहीं है? बिल्कुल हमारे आराध्य नहीं, बिल्कुल हमारे पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज हमारे जो कुछ भी है, जो भी है हमारे मसीहा, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर है। क्या बाबा